हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर किशोर कुमार, आयुर्वेदाचार्य, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। मेरा वीडियो देख करके कुछ ना कुछ तो आपको लाभ प्राप्त हो रहा होगा। वो इसी क्रम में मैं बहुत बढ़िया नुस्खा लेके आया हूं, जो आप यूज करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक ऐसी चीजें हैं, एक ऐसे पत्ते के बारे में बताऊंगा जो आपकी सारी शारीरिक प्रक्रिया को दुरुस्त बनाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे। तो बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक। पान के पत्ते, जी हाँ, पान के पत्ते इतना बढ़िया चीज है जो आप लेंगे तो आपकी शारीरिक प्रक्रिया को दुरुस्त रखेगा। इसको लेना कैसे है, ये सारी चीजें बताता हूं इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल है मुंह के लिए। पान खाते हैं तो आपके मुंह का जो अल्सर है, माउथ अल्सर है, मुंह में छाले हैं, मुंह से दुर्गंध आती हो, मुंह में आपके बदबू आता हो, आपके दांतों में कीड़े हो, आपके मसूड़े में सूजन हो, इन्फेक्शन हो, मसूड़े से खून आता हो, बदबू आता हो, पानी लगता हो ठंडा गर्म, तो ठीक करेगा। आपकी मौत से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, मुंह की दुर्गंध दूर करता है, तो इसको लेंगे तो बहुत बढ़िया। करना क्या है, खाली पत्ता आपको पान के लेना है और उसको चबा करके निगल जाना है। आपकी मौत से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है सब दूर करेगा। डाइजेशन प्रक्रिया के लिए बहुत बढ़िया है। आप इसको, डाइजेशन की प्रॉब्लम है आपको, पाचन तंत्र की गड़बड़ी है तो उसमें ले सकते हैं। पाचन तंत्र को सुधारता है, हमारी स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। पाचन तंत्र में इतना बढ़िया है कि आपकी गैस हो, एसिडिटी हो, अम्ल पीत हो तो ठीक करता है, कॉन्स्टिपेशन तक के ठीक करता है। तो आप पाचन तंत्र मिलेंगे तो भी बहुत बेटर चीज है पान के पत्ता। ज्वाइंट्स पेन के लिए, जोड़ों में दर्द हो, गठिया हो, पाई हो, मसल्स में पेन हो, मसल्स खींच गया हो, मसल्स क्रैम्प हो, तो उसके लिए बेटर चीज है। करना क्या है, इसको आपको पान के पत्ते को पीस करके लेप बना लेना है। लेप बनाकर जहां आपके दर्द है, घुटनों में दर्द हो, चाहे जोड़ों में दर्द हो, चाहे कमर में दर्द हो, मसल्स में पेन हो, क्रैम्प आ गया हो, तो उस जगह को गर्म कर करके लगा देना है। वो आपकी जड़ को छूमंतर कर देगा। इतना बढ़िया चीज है, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, या पता होगा तो आप यूज नहीं करते होंगे, लेकिन इसको यूज करें, बहुत बेटर चीज है। पान के पत्ते, पान के पत्ते को आप पेस्ट बना करके गर्म कर करके रख लगा देंगे तो बहुत बढ़िया है। जख्म के लिए ठीक है, आपके घाव हो गया हो, जख्म हो गया, जल्दी नहीं भर रहा हो, तो उसको गर्म करके पानी उबाल करके पत्ते डालकर उसको धो साफ करें और उसकी लेप लगा लें, जख्म ठीक हो जाएगी आपकी। इतना बढ़िया चीज है कि आपकी शरीर में कहीं जख्म हो, इन्फेक्शन हो, इन्फ्लामेशन हो, स्वेलिंग हो, तो पान का पत्ता आपके लिए रामबाण औषधि का काम करेगा। इसमें इतने सारे पोषक तत्व हैं कि आपके शरीर को दुरुस्त तो करता ही करता है, साथ में शारीरिक प्रक्रिया को ठीक करता है। अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत बढ़िया है। आप पान के पत्ते को कुछ नहीं करना, दो पत्ते को उबाल करके सुबह सुबह खाली पेट पी लें, शरीर की जितनी भी गंदगी है वो सारे शरीर को बाहर करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। आपके शरीर में मैल है, इन्फेक्शन है, गंदगी है, वो सारा निकाल देगा, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और हल्का रहेगा। मोटापा के लिए भी बहुत बढ़िया है। आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो इसमें खाली यही चीज नहीं, आपको मोटापा के लिए आपको योगा एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, जंक फूड वगैरह भी बंद करना पड़ेगा, और पान के पत्ते को उबाल करके सुबह शाम ले लें, आपकी मोटापा बहुत जल्दी कम होगा। आप देखेंगे आपके 10 से 15 दिन में आपकी मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा और आपको शरीर हल्का होने लगेगा। तो आप मोटापा में भी ले सकते हैं, फैट लॉस करने में बहुत बेटर चीज है, तो फैट लॉस के लिए भी ले सकते हैं। अच्छा, सर दर्द माइग्रेन में भी ले सकते हैं। आपकी सर दर्द हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, तो आपको कोई चीज ना सूझ रहा हो तो ये पान का पत्ता को लेप बना ले और सर पे लगा ले। सर पे लगाने के बाद आप छोड़ दें, आपकी सर दर्द 10 से 15 मिनट ठीक हो जाएगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आपकी टेंशन हो, डिप्रेशन हो, गुस्सा हो, चिड़चिड़ापन हो, तो भी ठीक करेगा। इतना बढ़िया है पान का पत्ता, तो पान का पत्ता लें और आप स्वस्थ रहें। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लेंगे, आपकी खांसी हो, जुकाम हो, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, ठीक करेगा। सांस लेने में प्रॉब्लम हो, आपकी निमोनिया हो, तो भी ठीक करेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपकी लंग को मजबूत करेगा, स्ट्रोंग करेगा, और आपकी छाती से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक करेगा। इसमें करना क्या है, छोटे बच्चों को लिए बहुत बढ़िया है। छोटे बच्चों को करना क्या है कि आपको एक पान का पत्ता ले, तवे पे इसको घी लगा करके सेक दें, देसी घी लगा करके पत्ते को सेक करके हल्का गुनगुना रहने तक उसको छाती पे चिपका दें।
बहुत बढ़िया चीज है, घरेलू नुस्खे हैं। आप ऐसा करेंगे तो बच्चे को निमोनिया हो, खांसी हो, जुकाम हो, बहुत जल्दी आराम मिलेगा। बाकी दवाइयां दे रहे हैं डॉक्टर की सलाह से तो देते रहे, लेकिन ये घरेलू नुस्खे करेंगे तो आपका बच्चा का जो प्रॉब्लम है ये ठीक करेगा। नुस्खे बहुत अच्छे हैं। आप खांसी में अस्थमा लेंगे, सांस की प्रॉब्लम हो, सांस आने में दिक्कत हो, जैसे आजकल पोल्यूशन वगैरह चल रहा है, पोल्यूशन में सांस में दिक्कत आती है, या आपको अस्थमा हो, बार बार सांसें उखड़ जाती हो, तो उसके लिए बेटर चीज है। खांसी जुकाम हो, नजला हो, तो ले सकते हैं, बहुत बेटर चीज है। इसको लेना काढ़ा टाइप में बनाकर, आप काढ़ा बना लें, उसको सुबह शाम सिप सिप करके पी लें, खांसी जुकाम के प्रॉब्लम को ठीक करेगा, आपके अस्थमा के प्रॉब्लम को ठीक करेगा, सांस लेने में दिक्कत आई हो तो ठीक करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपको मजबूत करेगा, स्ट्रोक। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आपको कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।